नाम बता। नाम नाम नहीं बताऊंगा। जल्दी बता कौन भेजा है इसका पड़ोसी। क्या नाम है उसका? नहीं पड़ोसी का नाम बता। बता नाम नहीं बताऊंगा। आदमी की औरत? आदमी। कितने बच्चे हैं उसके? लड़के कितने हैं? दो। लड़की? पांच। लड़की की शादी हो गई है? हाँ। सबकी? हाँ। लड़कों की? हाँ। लड़कों की भी सबकी शादी हो गई है? नहीं है लड़का, सिर्फ लड़की है। लड़का मर चुका है। लड़का मर गया है, समझ आया? उसका आदमी क्या करता है बता। उसका आदमी क्या करता है? घर पे रहता है। क्या क्या काम करता है? कुछ नहीं। कोई काम नहीं करता है? नहीं। पहले क्या करता था? पहले सीसीएलएम बना था। तो नाम होगा कुछ, काम क्या होगा? वो हमको भेजा है। वो हम तुमको भेजा है? कहे भेजा है? लोगों का सत्यानाश करने के लिए। क्या दुश्मनी है उसकी इससे? उनकी दुश्मनी क्या है? क्यों भेजा है बोलो। क्या दुश्मनी है बोलो। खत्म करने के लिए भेजा है इसको। क्यों भेजा है? क्या दुश्मनी क्या है? इसको नहीं देख नहीं सकता है। जलन? हाँ। जलन के मारे क्यों जलता है? क्यों जलता है वो? पट्टी खोली दिखाई ऊपर। इधर देखो, इधर कौन सी जलन? किस लिए जलन के लिए भेजा है? क्यों भेजा है? किस चीज की जलन होती है? जमीन की। जमीन की जलन होती है। इसका घर लेने के चक्कर में है? बर्बाद करने के चक्कर में। क्या क्या दिक्कत दी हो इनको? इसका बच्चा नहीं होने दिए। अच्छा, कितने साल से? 12 साल से। 12 साल से पिछले भी लिए आया था। तो शादी कितनी साल हुआ शादी को? शादी मेरा 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। सही बता रहा है? 13 साल हुआ शादी। सही बता रहा है ये? बाकी और भी कुछ काम की बात पूछना है तो पूछ लीजिए। पिछले बार दही में जड़ी बूटी खाया तो दही निकला है। दही में कौन खिलाया था इसको? मैंने खिलाया था। कौन खिलाया था? औरत थी। कौन? तेरा नाम क्या है? मैं नाम नहीं बताऊंगा। जिंदा हो कि मर गए हो? जिंदा हूँ। बगल वाला ही है। हमको चना में, मेरा चना, हमको कौन खिलाया चना? इनको चना में कौन खिलाया? मैं खिलाया। कब? कितना दिन पहले? 8 साल पहले। कहाँ पे खिलाया? अपने घर पे। घर पे बुला के? खरीद के बुना हुआ चना में। कैसे सीखे थे? मैं, हम लोग का बहुत बड़ा झुंड है। कहाँ पे झुंड है? गांव में। कहाँ से गांव? गांव का नाम? गांव के नाम ऊपर बस्ती है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। झारखंड में पड़ता है। और कुछ बात? घर के बाहर पढ़े लिखे हो कुछ? नहीं, अनपढ़ हूँ। अनपढ़ हो? अपने बेटा को कौन खाया? मैं खाया हूँ। और कुछ पते की बात? मेरे घर के बाउंड्री के बाहर जो मट्टी उठा है वो कौन किया? चिल्हा वाला? तुम्हारा पड़ोसी। कौन पड़ोसी? तुम्हारा छोटे का खानदान का। क्या नाम है उसका? उठाया है। हाँ। क्या नाम है उसका? रास्ता नहीं निकालने देता, ये जानता है नाम। तुम नाम बताओ अभी। नहीं बताएंगे। बताना पड़ेगा। हम
डॉक्टर का झुंड हम पकड़ा जाएंगे। कितने लोग हैं झुंड में? लोग झुंड में बहुत है, सारा है। कितने लोग? लोग 8-10 हैं। 8-10 लोगों? कितने को मौत के घाट उतारा अब तक? गांव में हम तबाह करके रखे हैं। कितने को? अनगिनत। पिछले वीडियो में बताया सबसे पहले बेटा का बलि लिया। किसके बेटा की? अपने बेटे की? बेटा का। नहीं, बेटा की बलि दे के सीखे हो? किसकी पूजा किए थे? हम कोई पूजा नहीं करते। तो कैसे सीख गए? कैसे सीख गए? बोलो, कैसे सीखे हो? दीजिए, एक थप्पड़ दीजिए। बताओ कैसे कैसे सीखे हो? बताओ, जल्दी बताओ, कैसे सीखे हो? बताओ। इधर सामने देख, कैसे सीखे हो? काली पूजा करके। किसकी पूजा? काली की। काली पूजा। कितने दिन पूजा किए थे? हम बहुत ज्यादा दिन करते आ रहे हैं, करते हैं। कब सीखे थे? हम 10-20 साल मेरा पहले जमाना का है। 20 साल पहले सीखे थे जी। और कुछ काम की बात? मेरे जमीन आंगनबाड़ी है, उसमें क्या है? तुम्हारा जमीन है, तुमसे खरीदे? कुछ नहीं है, सब पहले था ना। हाँ। कहाँ गए सब? कहाँ चला गया सब? बाहर चला गया। कहाँ बाहर चला गया? जमीन से बाहर। उसको दही में, दही में किसको करके खिलाया था? इसको खिलाया था पहले, पहले वाला दही में करके। इसको कौन खिलाया था? पहले का वीडियो में हाजिर हुआ है ना, जानते हैं ना। कोक मार। नाम बताओ, कौन है वो? नाम बताओ उसका। नाम तो पहले ही बता चुकी है, नाम नहीं बताऊंगी। नाम बता दिया है? पहले बताया, कोक मार दिया, तो कोक वापस कैसे करेगी? वो तो खत्म हो गया, वो तो दे दी। भूत प्रेत खत्म हो जाते हैं तो हो जाता है। और तुम्हारा, तुम्हारा क्या दुश्मनी है? तुम कैसे छोड़ोगे? यहाँ क्या करवाने आए हैं आप? ये हमेशा लगा रहता है बाबा, हमेशा करेगी फिर। इससे पहले हाजिर हुआ ये? नहीं, ये नहीं हुआ। तब आज ये डी एंड हो जाएगा जी। बेवकूफ़ी मत करो जी। जी ठीक, नींबू दे दीजिए इनका। हो गया, नींबू दीजिए। पाल पीछे दे दीजिए, पीछे का पाल, जल्दी गिट्टी बांधी, गिट्टी बांधी। चला आ जाओ चिता पे तुरंत। ठीक है, जलने को रुक जाओ, रुक जाओ, बातचीत कर लीजिए। कहाँ से आई हैं आप? रामगढ़ से आए। ये कहाँ पड़ता है? झारखंड। क्या हुआ तभी, कुछ याद है आपको? कौन किया, क्या किया, कुछ याद है आपको? पड़ोसी कोई किया है, बताया? कुछ नहीं याद है आपको? उल्टी में क्या निकला था? दही। दही तो उसकी वीडियो बनाए हैं। पंडित क्या बोला था? पंडित क्या बोला था? दही, पर्ची में दही था। पर्ची में दही था। कितना दही निकला है वो वीडियो में? वीडियो बनाया है। टोकन दे दीजिए दूसरा आवाज, जो पंडित यहाँ चेक हुआ था। तो दही निकलने से कोई फायदा हुआ आपको?
पहले माथा दर्द इसका होता था, अब नहीं होता। जैसे कहीं सफर में जाता था उल्टी वगैरह होता था, अब नहीं होता। कितनी खुराक में निकली थी, पहले में ही या क्या आखिरी में? लास्ट में, लास्ट में। इसीलिए यहाँ पे जब भी आए जड़ी बूटी जो मिली है पूरी खा के आए। कहाँ से आया था? सूरजपुर। सूरजपुर भटगांव। सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूँ या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दो। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए? कहाँ से आप आ रहे हैं? लालगंज से। उल्टी में क्या निकला? जड़ी बूटी खाई है। हाँ। तो उल्टी से निकलना है, दो रास्ते होते हैं उल्टी में, या तो उल्टी से निकलेगा या लैटरिन से निकलेगा। जड़ी बूटी पूरी खाली। हाँ। क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, ये कहना आपत्ति है। निकलना तय है, जो पंडित जी बोलते हैं वो निकलना तय है। लैटरिन के थ्रू निकलेगा, आप देख सकती हो तो देखो, ठीक है। और नंबर लोग इस्तेमाल करते हैं नेट वाला, तुरंत अता पता लोकेशन, पूरे वीडियो में पूरी जानकारी है। अब वो कहते हैं हम अनपढ़ है, अरे भाई आपके जिला में गाँव में जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा कोई तो होगा, उससे आप पूरी जानकारी निकलवा लो। दिन रात हम लोगों को फोन करके परेशान करते हैं, ये गलत है। गलत है या नहीं है जनता बताओ? हमने सब डाल दिया है, कोई भी चीज बाकी नहीं है, लोकेशन टाइम केबल सब है। तो आप लोग पूरी वीडियो देख के पूरा अता पता निकाल दें, एक दूसरे को खाली नंबर ना दें, उनको बोलो वीडियो देखो समझ में आए तब आना। और हम किसी भी व्यक्ति को गारंटी भी नहीं देते हैं। नेट पे लिखा है ना 100 में 95 ठीक होते हैं, 5 नहीं होते हैं, मगर मैं गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूं। कितने जो गारंटी मांगते हैं तो उनको मैं फोन ही पे डिलीट कर देता हूं। तू जा भाई, मेरे पास मत आना, मेरी खुद की कोई गारंटी नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूंगा। तो गारंटी वाले बाबा इस समय नेट पे दुनिया में बहुत से हैं, वहां जाओ, मेरे कोई गारंटी नहीं। जिसके समझ में आए काम कराओ अपनी मर्जी से, टोकन पे भी लिखा हुआ अपनी मर्जी से, आप जो भी करा रहे हैं अपनी मर्जी से, मेरा कोई इसमें नहीं है कि नहीं आपको कराना ही है। डरवाने धमकाने का कोई काम है या नहीं है, आपकी मर्जी हो कराओ, नहीं मर्जी हो घर जाओ। यहाँ चेक कराते हैं और 100 रुपया लगता है, सही बोल रहा हूँ? कितना लगा आप लोगों का? 100 रुपया। ऑनलाइन चेक कराओगे उस पे लगेगा 1000 रुपया और एक भूत मारने के उस पे लगेंगे 500। यहाँ 300 है, उस पे 500 है, इसलिए इतना ज्यादा रखा है कि लोग हाथ पे दही जमाने लगे। जरूरत से ज्यादा तो उनको मैं यहाँ बुलाता हूँ, 900 बचाओ यहाँ आ जाओ। जो बहुत परेशान है नहीं आ सकते नहीं चल सकते उनके लिए ऑनलाइन। और कितने बेवकूफ कहते हैं हो जाएगा, हो जाता है, इस पे भी आपत्ति है। मैं आज से नहीं 15 साल हो गया करते करते, पूरी दुनिया का कर रहा हूं तो हो रहा है तभी तो कर रहा हूं, मैं तो कभी इंडिया छोड़ के गए ही नहीं हूं। तो होता है, अगर ये कहें कि हो जाता है हो जाएगा तो उनको पहले मैं बोलता हूं नहीं करूंगा, अब यहां आओ। और यहां पर भी ज्यादा वो परेशान करेंगे तो उनको सदा के लिए डिलीट मार देता हूं, जा भाई मेरे क्या मताना, तू मेरे क्या आके भी तू ठीक नहीं होगा, तेरा पैसा बर्बाद होगा। कभी किसी को हमने डिलीट मार दिया, गलती पे गलती बहुत किया और डिलीट मार दिया तो वो सदा यहाँ नहीं ठीक होगा। अब हम पृथ्वी की बात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं ठीक होगा। अब वो सोचे कि हम चोरी से जाके करा ले तो पैसा वो अपना फूक के यहाँ चला जाएगा, यानी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगी, पैसा उसका फालतू होगा। तो बताना चाह रहे हैं जो व्यक्ति डिलीट हो गया वो कभी यहाँ ना आए, कैसा रहा? और आप लोगों का कोई सुझाव? डीप वाला ठीक है, वीडियो बनना चाहिए, चलो ठीक है। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे
फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है, 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। इरादे रोज ही करते हैं, इरादे इरादे इरादे, अरे इरादे जाते हैं, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहाँ आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहाँ आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा, और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।